बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो आज आप लोग के सामने कुछ MCQs शेयर करूँगा जो कि पास्ट पेपर से लिए हैं, पिछले साल जो टेस्ट हुआ था उनसे लिए थे। तो आप लोग इनसे अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि वही MCQs हो, उनमें से कुछ बार बार रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला MCQs है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, फैसलाबाद को कहा जाता है। अगला है, निशाने हैदर पाने वाले अफसरान की तादाद क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 10 अफसरान ने निशाने हैदर लिया था। निशाने हैदर की कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, तो निशाने हैदर अब तक 10 नौजवानों को दिया गया है, ये आप लोग इनके नाम देख सकते हो। अगला MCQs है, दरियाए सिंध पर ज़ेर तामीर सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, दियामर बाशा डैम। अगला है, जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम का क्या नाम है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सार्क। सार्क की बैकग्राउंड देखते हैं, तो सार्क से मुराद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क में जनूबी एशिया के तमाम ममालिक शामिल हैं। जनूबी एशिया में कुल ममालिक 8 हैं और तमाम सार्क के मेंबर्स हैं। तो आप लोग इनके नाम देख सकते हो। सार्क को 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में बनाया गया। अगला है, करारदाद मकासद कब मंजूर की गई? तो इसका सही जवाब है, मार्च 1949 को। अगला है, K2 की कितनी ऊंचाई है? तो ए ऑप्शन सही है, 8611 मीटर्स या 8611 मीटर्स। अगला है, ये K2 की कुछ बैकग्राउंड है, उसके इंफॉर्मेशन है। K2 का दूसरा नाम गुडविन ऑस्टिन है। K2 पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन जबकि दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। K2 को कराकरम में वाकिया है। K2 पाकिस्तान का कौमी पहाड़ भी है। अगला है, पाकिस्तान में बिजली बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? तो सही जवाब है, बी थर्मल। अगला है, इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, इंडोनेशिया, सी। अगला है, ड्यूरेंड लाइन कब बनाई गई? तो इसका सही जवाब है, 1893 में, बी ऑप्शन सही है। अगला है, GPS किसका मुखफ़ है? GPS की एब्रिवेशन क्या है? तो इसका सही जवाब है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी ऑप्शन सही है, जिसके ज़रिए हम लोकेशन मालूम करते हैं। मोबाइल में भी आप लोग देख सकते हो मैप में GPS। अगला है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का क्या नाम है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। अगला है, मंचर झील किस ज़िला में वाकिया है? तो डी ऑप्शन सही है, दादू। अगला है, बाबाई उर्दू किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, मौली अब्दुल हक को। जामिया उस्मानिया के एक तालिब इलम मोहम्मद यूसुफ ने 1935 में मौली अब्दुल हक का खिताब दिया और ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि इनका नाम का जुजो बन गया। तो मौली अब्दुल हक को बाबाई उर्दू का खिताब मोहम्मद यूसुफ जो कि तालिब इलम था उन्होंने दिया था। डॉक्टर मौली अब्दुल हक अंजमन तरक्की उर्दू के बानी भी हैं। अगला है, कोरोना वायरस की इब्तिदा किस शहर से हुई?
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, वुहान जो कि चाइना का एक शहर है। अगला है ओआईसी की मेंबर ममालिक की तादाद कितनी है, ओआईसी की मेंबर्स कितनी हैं, तो इनकी तादाद 57 है जो कि बी ऑप्शन सही है। ओआईसी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये 57 ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामी ममालिक हो। इस ऑर्गेनाइजेशन को 35 सितंबर 1969 को कायम किया गया। इसकी तीन ऑफिशियल ज़ुबानें हैं जिनमें अरबी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। ये पास्ट पेपर से उठाए गए एमसीक्यूज थे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, तो आप लोग इनसे तैयारी कर सकते हो।